हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में काफी ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि गाइस हम वापस से एक बार करने जा रहे हैं कंपैरिजन। वैसे अगर आप लोग मेरा चैनल विजिट करके देखो तो बहुत सारे कंपैरिजन में करके लगाओ, कार फॉर सेल वर्सेज कार फॉर ट्रेड, कार सेल सिम्युलेटर वर्सेज कार फॉर सेलर बिजनेस सिम्युलेटर, इन सारे गेम के बीच में मैंने कंपैरिजन करके रखा है। बट गाइस, इस बार जो कंपैरिजन हो रहा है ना, दोनों गेम इस हद तक मिलते जुलते कि क्या ही बताओ। अगर दोनों गेम को एक तरफ रखा जाए, एक तरफ पीसी वाला गेम, मतलब बहुत ज्यादा मैच करते हैं। और उसके लिए हमने गाइस हमारी वीडियो शुरू की है, क्योंकि हम ये जो कंपैरिजन करने वाले ना, ये पूरा का पूरा कंपैरिजन मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। आप लोग ढंग से कंपैरिजन करना और आप लोग खुद के दिल से स्टार रेटिंग देना, बाकी गेम का नाम कमेंट करना और आगे स्टार कर देना। मैं पिन कमेंट कर दूंगा और उस तरीके से आप लोगों ने करना है, बाकी वीडियोस में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग कार फॉर सेल नहीं भी खेलते हो तो आप लोग खेल सकते हो, क्योंकि गाइस गेम इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या ही बताओ। बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सुपर कार, अल्टीमेट सुपर कार, बहुत ज्यादा डॉलर कमाने की चाहत, ये सारी चीजें मतलब इस गेम में होने वाली है। तो क्यों ना हम आज उसी के ऊपर वीडियोस बनाएं, और ये वीडियोस पूरी स्पेशल आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कमेंट करना है, आप लोगों ने स्टार की रेटिंग देना है। मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ गेम खेलूंगा और गेम के बारे में आप लोगों को इजी टू इजी बताऊंगा। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप। ये जो गेम है मतलब कम से कम डेढ़ या वन मंथ पहले लॉन्च हुआ, और उसके बाद में इस गेम ने प्ले स्टोर पे मतलब भड़कम मचा दी, काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा, और उसके बाद में मोबाइल पे इतने ज्यादा खेलने लगा कि क्या ही बताओ। चलो तो गाइस, बढ़ते हैं उस गेम की तरफ। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, दोनों गेम काफी ज्यादा हद तक 50-50% सिमिलर है और काफी ज्यादा कूल दिखते हैं। ग्राफिक वगैरह सेम टू सेम तो नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस है, तो आप लोगों ने आपके हिसाब से पॉइंट दे रहे। अगर आप कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप खेलते हो तो उसके लिए पॉइंट दो, अगर आप कार फॉर सेल गेम 2023 3D खेलते हो तो उसके लिए पॉइंट देना। चलो तो गाइस, हम आ चुके हैं वीडियोस के तरफ। तो गाइज, ये है हमारा कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप गेम। इस गेम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दी जाती है, जैसे कि कार ऑक्शन, जैसे कि कार मार्केट, नेबरहुड, ड्रैग रेस, ये सारी चीज़ें, वैसे कंटेनर, ये सारी की सारी चीज़ें जैसे पीसी वाले गेम में होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूँ कि उस गेम में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली, तो आप लोगों के दिल पर आप लोगों ने सोचना है, कमेंट करना है कि मुझे इस गेम को कितने के स्टार की रेटिंग देना है, ये सारा सोचना है। चलो तो गाइज, देखते हैं हम कार ऑक्शन आ चुके। कार ऑप्शन सारी चीजें उस गेम में भी है और इस गेम में भी है, तो ये सारी चीजें मैं जैसे एक गेम पे हूं तो इसी के बारे में बताऊंगा। तो फाइनली गाइस, हमने कार ऑप्शन ओपन कर लिया है। 10 सेकंड के बाद मतलब ऑप्शन ओपन होगा, और जैसे ही ऑप्शन ओपन होता है तो अच्छी अच्छी हर तरह की सुपर कार आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 4 में से आपका लक अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पर पोर्चे, लेम्बोगिनी या फिर फरारी, ये जैसी कार आ सकती है, बट यहाँ पर ऑडी TT आ चुकी है, ये कार हमें नहीं चाहिए। चलो तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे गाइस, जो नेक्स्ट वाला गेम होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा न्यू गेम आया हुआ है, उसको 4 या 5 ही दिन हुए न्यू आके, तो आप लोग वो गेम खेल के देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव आ सकता है आप लोगों को। देखते हैं चलो क्या होता है। तब तक अभी इस कार को तो मैं बाय नहीं करूँगा, इसके साथ मुझे भीड़ भी नहीं लगानी। बाकी अगर उस गेम के भी हम ऑक्शन ट्राई करते हैं या फिर नेबरहुड, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आप लोगों को। बाकी सारी की सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, बट अगर आप लोग खेलते हो दोनों में से कोई भी एक गेम, तो आपको इजीली समझ जाएगा कि मुझे किस गेम को स्टार की रेटिंग देनी है और किस गेम को नहीं देनी, ये सारी चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ सकती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। अगर आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है, तो आप लोग मतलब पक्का स्टार रेटिंग दोगे। देखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है हमने, अगर कोई अच्छी सी सुपर कार मिलती है तो देखेंगे। और उस गेम में गाइस, नेबरहुड वगैरह वगैरह सारी की सारी पीसे वाली की डिट्टो कॉपी है, जितने भी गेम आ रहे हैं सारी की सारी चीज़ें सिमिलर आ रही है, क्योंकि गाइस जिस तरह से गेम का नाम है ना कार फॉर सेल, उसी तरह से चीज़ें आ रही है। और वैसे सेकंड में भी मुझे कोई अच्छी सी कार नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा गंदा अपडेट है, बट कोई बात नहीं। चलो यार, अपडेट आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी पोर्चे, मुस्टैंग GT और क्या, बहुत सारी न्यू कार आई है, जो कार की अभी कार मार्केट में भी मिलती है, ये गंदा अपडेट लगा। बाकी कार मार्केट में कोई सुपर कार ना मिले, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए डेवलपर लोगों ने। चलो देखते हैं, 3rd नंबर पे मुझे कोई ना कोई अच्छी कार ज़रूर मिलेगी, उस कार का हम वेट करेंगे और देखते हैं गाइस क्या होता है। तो वैसे गाइस, ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि ओ भाई साहब, लेम्बोगिनी देख सकते हो गाइस, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा सूख रहा है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे ही आपको थोड़ी सी
अदर साउंड भी सुनाई दे रही होंगी, तो उस साउंड को इग्नोर करके कृपया करके गेम प्ले के ऊपर ध्यान दे। तो समझ रहे हो ना, चलो लेम्बोगिनी को बाय कर लेते हैं गाइस। लेम्बोगिनी मिल गई, चलो ये तो एक बात अच्छी हुई। लेम्बोगिनी वैसे कार मार्केट में मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार है। अगर मुझे कोई और अच्छी सी कार, ओ भाई साहब मुस्टैंग, शायद से मुस्टैंग है पक्का। अरे हाँ भाई साहब देखो मुस्टैंग है, मुस्टैंग GT, ये कार भी काफ़ी ज़्यादा कूल है और बहुत सही कार है और बहुत अच्छी अच्छी कार यहाँ पर मिलती है आपको। तो ये रहा हमारा टॉप 1 का गेम जिसका नाम है कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप। इस गेम के लिए जितने भी बंदों को जितने की स्टार की रेटिंग देनी उतनी दे सकते हो, वैसे 4 स्टार की रेटिंग रहेगी, बाकी 4 की देनी तो 4 की देना। और एक जो न्यू गेम है कार फॉर सेल गेम 2023, उस गेम के लिए भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टार की रेटिंग देना है, क्योंकि गाइस उस गेम में जो अपडेट भी नहीं है, जो चीज़ें हैं ना वो इस गेम में अपडेट के थ्रू मिल रही है। मतलब वो गेम काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया हुआ है ऑलरेडी, जैसे न्यू आया है ना तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उसमें है, जैसे कि टेस्ट ड्राइव, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो कि है। चलो तो फिर बढ़ते हैं उस गेम की तरफ। तो गाइज इस गेम का नाम है कार फॉर सेल गेम 2023 और गाइज ये गेम बिल्कुल भी न्यू आया है, न्यू मतलब पेटी पैक है और इस गेम को आप इजीली खेल सकते हो। और ये गेम जो है ना पीसी वाले से रिलेट करता है और उसकी मतलब 100% कॉपी है। और जो टेस्ट ड्राइव ये सारी चीज़ें इस गेम में ऑलरेडी है, जो कि डीलरशिप में अपडेट में आने की बाकी है। वैसे गाइज हम गेम शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आके आपको ट्रैश करना होता है। सारा कचरा अगर आप ट्रैश करते हो तभी आप अपना ऑफिस ओपन कर सकते हो। तो गाइज मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अभी वक्त हो चुका है हमारे ये गेम को और गेम प्ले वीडियोस को भी, देखते भी क्या होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को इस तरह से ट्रैश कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को गेम की लिंक चाहिए या फिर गेम का नाम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट करो। बाकी कोई बंदा स्टार की रेटिंग देने से रहा, पर अगर आप लोग सच में कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप खेलते हो या फिर कार फॉर सेल गेम 2023 खेलते हो तो आप लोगों का काम बनता है स्टार की रेटिंग देना, इसलिए मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। बाकी मैं मेरे दिल से भी पॉइंट दे सकता था, बाकी मुझे तो कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि गाइस उस गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी ग्राफिक दी गई है और उन ग्राफिक की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा दिल लगने लगा है। और बहुत सारे बंदों को मैंने पहले एक वीडियो डाला था रिसेंट में, मैंने बोला था प्लीज़ डिलीट दिस गेम, क्योंकि गाइस मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ना निसान GTR मिले ना कोई अच्छी सी कार, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर मैंने बोल दिया यार ये गेम डिलीट कर दो। बट बंदों के अच्छे अच्छे कमेंट आए, बंदे बोल रहे थे जो है वो अभी ठीक है फिलहाल, बाकी कार सेलर डीलरशिप बहुत सही चल रहा है और जो पुराने गेम थे वो अभी मतलब बंद होने के चक्कर में, और देखते हैं कि ये गेम भी ज़्यादा देर टिक जाए, भरोसा तो है हमें क्योंकि ये भी पीसी वाले की डिक्टो कॉपी कर रहा है, ना जाने क्या भी कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो वैसे आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि कौन सा गेम टॉप लेवल है और कौन सा गेम नीचे लेवल है, बाकी दोनों गेम तो सिमिलर है। मैं तो मेरे हिसाब से अगर होता तो मैं दोनों की सरी की स्टार रेटिंग देता, बट गाइस हमें किसी को विनर भी कराना है तो हम तो मेरी मानो तो कार सेलर सिम्युलेटर डीलरशिप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप लोगों के दिल में कुछ हो तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट